हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्रोसेसर 695 वर्सेस स्नैपड्रैगन 720G। दोनों के अनाउंस डेट की बात करें तो 695 अनाउंस होता अक्टूबर 2021 में, वहीं 7 सीरीज का 720G अनाउंस होता जनवरी 2020 में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आपको वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको सीपीयू, नेक्स्ट उसके बाद ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग रिव्यू एंड लास्ट में बेंचमार्क स्कोर होंगे। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आर्किटेक्चर के साथ, सीपीयू आर्किटेक्चर के साथ। यहाँ पे दोनों प्रोसेसर ऑक्टोकोर प्रोसेसर हैं। यहाँ पे 695 के पहले 4 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक राइसिक 60 गोल्ड कॉर्टेक्स A78 है, वहीं 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक राइसिक 60 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 है। बात करें स्नैपड्रैगन 720G की, यहाँ पे पहले 2 कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक राय 465 गोल्ड कॉर्टेक्स A76 है, वहीं 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक राय 465 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 है। आते हैं यहाँ पे सीपीयू फ्रीक्वेंसी की तरफ। स्नैपड्रैगन 695 क्लॉक है 2200 मेगाहर्ट्ज़ की पीक फ्रीक्वेंसी पे, वहीं स्नैपड्रैगन 720G क्लॉक है 2300 मेगाहर्ट्ज़ की पीक फ्रीक्वेंसी पे। फैब्रिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको पता ही है कि जिसका भी फैब्रिकेशन स्मॉल होता है वो बेटर प्रोसेसर होता है। यहाँ पे 695 जो है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेसर पे बना है, वही 720G 8 नैनोमीटर पे। आते हैं ग्राफिक्स की तरफ। जीपी नेम में स्नैपड्रैगन 695 के जीपी का नाम है एड्रेनो 619 एंड इसका आर्किटेक्चर एड्रेनो 600, वहीं स्नैपड्रैगन 720G के जीपी का नाम है एड्रेनो 618 एंड इसका आर्किटेक्चर भी एड्रेनो 600 ही है। फ्रीक्वेंसी में स्नैपड्रैगन 695 के फ्रीक्वेंसी भी मुझे नहीं पता चली है, वैसे मुझे भी लगता है इसका फ्रीक्वेंसी 750 ही होगा। स्नैपड्रैगन 720 का 750 मेगाहर्ट्ज़। फ्लॉस भी अभी मुझे 695 का नहीं पता चला है क्योंकि अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720 के फ्लॉप्स हैं 435 गीगा फ्लॉप्स। मेमोरी टाइप, सबसे पहले रैम टाइप को देखते हैं तो रैम टाइप में यहाँ पे 695 LPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, जिसकी पीक फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है। एंड यहाँ पे ये भी स्नैपड्रैगन 720 भी LPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी रैम फ्रीक्वेंसी 1866 मेगाहर्ट्ज़ की है। स्टोरेज सपोर्ट में यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर जो है लगभग सेम सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 UFS 2.1 एंड EMC 5.1 का सपोर्ट करता है, जबकि 720G UFS 2.1 का सपोर्ट करता है। आते हैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर में वीडियो प्लेबैक पे, तो स्नैपड्रैगन 695 आपको 1K 60fps का वीडियो कैप्चर करके देगा एंड प्लेबैक भी 1K 60fps का ही देगा, जबकि स्नैपड्रैगन 720G आपको 4K 30fps का वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक दे सकता है। डिस्प्ले सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर आपको सेम देखने को मिलेंगे, इसमें 2520x2880 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट होगा। आते हैं अपने कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वहीं 720G में 4G सपोर्ट ही मिलेगा। एंड अगर 4G LTE की बात करें तो यहाँ पे 695 उसमें LTE कैट 18 का सपोर्ट है, वहीं 720G में LTE कैट 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ में भी यहाँ पे 695 ही बेटर, इसमें ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा, वहीं 720G में ब्लूटूथ 5.1। अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड की यहाँ पे बात करते हैं तो 720 इसमें पीछे होगा, क्योंकि इसमें LTE कैट 15 का सपोर्ट है, वहीं 695 में LTE कैट 18 के साथ ये थोड़ा सा आगे होगा। बात करते हैं डाउनलोड स्पीड की, तो इसमें थोड़ा सेम देखने को मिलेगा, दोनों में 800 Mbps की डाउनलोड स्पीड होगी, जबकि यहाँ पे 695 5G सपोर्ट करता है तो 5G में बेटर होगा। वहीं बात करें अपलोड स्पीड की, तो यहाँ पे 695 बेटर है, इसमें 210 Mbps की अपलोड स्पीड आती है, वहीं 720G में 150 की। अपने गेमिंग पे 695 आपको मोटरोला G51 में देखने को मिलेगा, वहीं 720G Realme 7 Pro में। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में सेम 40 आएंगे। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स भी स्नैपड्रैगन 695 में HDR हाई के होंगे, वहीं स्नैपड्रैगन 720G में HDR हाई। बात करें COD मोबाइल की, तो यहाँ पे COD मोबाइल मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में 40 होंगे। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 695 में वेरी हाई के साथ हाई का सपोर्ट है, जबकि स्नैपड्रैगन 720G में वेरी हाई के साथ वेरी हाई चल जाता है। आते हैं अपने रिव्यू पे, इसमें सबसे पहले सीपीयू एंड गेमिंग की बात करेंगे, तो सीपीयू स्कोर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 का 47 एंड 720 का है 39। गेमिंग परफॉर्मेंस में भी यही हाल है, यहाँ पे 695 स्कोर करता है 38 एंड 720 30। अब आते हैं अपने सीपीयू बैटरी कंजप्शन एंड अंतुतु बेंचमार्क पे, तो बैटरी कंजप्शन की बात करेंगे, 695 6 नैनोमीटर पे बना है, तो इसका बैटरी लाइफ स्कोर है 84 वहीं 720 का 74। अंतुतु की अगर बात करें तो यहाँ पे अंतुतु में स्नैपड्रैगन 695 स्कोर करता है अराउंड 4 लाख के, वहीं स्नैपड्रैगन 720G स्कोर करता है 3,35,124। आते हैं लास्ट अपने गीक बेंच पे, सिंगल कोर की अगर बात करेंगे तो 695 स्कोर करता है 570, वहीं 720G स्कोर करता है 573।
नेक्स्ट मल्टी कोर टेस्ट पे स्नैपड्रैगन 695 स्कोर करता है 1792 एंड स्नैपड्रैगन 720 स्कोर करता है 1712। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।